हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मैं उत्तराखंड के प्यारे साथियों, अपने उत्तराखंड के युवा साथियों के लिए भर्ती से संबंधित आज की सबसे बड़ी खुशखबरी वाली अपडेट। मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, यदि आप लोग डिप्लोमाधारी हो तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जेई के 1037 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिल चुकी है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती के प्रस्ताव को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के हाथों में थमा दिया है। आज की सबसे बड़ी अपडेट हमारे बेरोजगार डिप्लोमाधारी युवाओं के लिए। चलिए इस पूरी खबर को पढ़ते हैं। तो सीएम के अनुमोदन के बाद प्रस्ताव को आयोग को भेजा। आयोग सितंबर में जारी कर सकता है भर्ती का विज्ञापन। तो विभागवार जो पदों का ब्यौरा है वो भी दे रखा है कि इन 1037 पदों में शहरी विकास में जेई के 32 पद हैं, लोनिबी में 252, सिंचाई विभाग में 138, लघु सिंचाई में 46, ग्रामीण निर्माण में 201, कृषि विभाग में जेई के 337 पद हैं, आवास में 140, पंचायती राज में 41, जल संस्थान में 79, पेयजल निगम में 62, ऊर्जा विभाग में 9 पद इसमें रखे गए। तो इन 1037 जेई पदों हेतु विज्ञापन सितंबर माह में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला जाएगा। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत जी ने बताया कि भर्ती प्रस्ताव हमें मिल चुका है और इस पर हम 1-2 महीने के अंतराल के बाद भर्ती विज्ञापन जारी कर देंगे। तो यदि आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, ब्रेकिंग अपडेट है। काफ़ी टाइम से आपको पता है जेई की भर्ती हमारी लटकी हुई है, पहले विवाद के चलते निरस्त हुई थी। तो इन जो 1037 पदों पर जो आपके लिए भर्ती निकल रही है दोस्तों जेई की, इसमें आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कस के एक बार मेहनत कर लो दोस्तों, ये अच्छा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। विज्ञापन से संबंधित इससे जुड़ी कोई भी भर्ती अपडेट आती है इस पर आपको मैं तुरंत सूचित कर दूंगा। बस आप लोग ध्यान रहे, हमारे चैनल से आप लोग जुड़े नहीं हो और जुड़े हुए हो तो ज़रूर हमसे जुड़े रहेगा, नहीं जुड़े हुए तो सब्सक्राइब बगल में बेल आइकन ऑन अवश्य करें। उत्तराखंड में कोई भी भर्ती अपडेट कहीं से भी जारी हो सबसे पहले अच्छी तरीके से बताने का हम पूरा प्रयास आपको करते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।